वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं पवनदीप कौर आप सारे व्यूअर्स का वॉइस ऑफ सिख पन टीवी विच स्वागत करती हाँ। जब भी मैं इतिहास नू पढ़ती हाँ तो हर वार मैनू भाई वीर सिंह जी की गल याद आती है कि सिखा ने इतिहास बहुत बनाया पर उसनू संभालिया नहीं। जितना वधेरे कुर्बानियाँ दे के सिखा ने इतिहास पैदा किया उतनी वद अणगहली इतिहास लिखण ते लिखाण विच वरती है। साडे इतिहास दीआं बेशकीमतीआं लिखतां अज जग जाहिर नहीं हो पाईआं हन। अगर किसी विद्वान ने जन समूह तक पहुँचाउण दा यतन भी किया है पर फिर भी वह लिखतां अज सिर्फ किताबां दे पन्नियां विच सिमट के रह चुकियां हन। अज एक ऐसी ही शख्सियत बारे जाणांगे जो साडे सिख इतिहास का हिस्सा ना बन सकी। वह शख्सियत है एडिथ केवल, जो एक ब्रिटिश नर्स सी जिसने पहले विश्व युद्ध दौरान जर्मन के कब्जे वाले बेल्जियम विच नर्स का काम किया। उसने जंग के मैदान विच घायल हुए सैकड़े ब्रिटिश, फ्रेंच अते बेल्जियम सैनिकों की पहले विश्व युद्ध दौरान सेवा की। इस सेवा के बदले उसनू गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चलाया गया अते आखिर विच उसनू मार दिता गया। एडविथ केवल का सिख इतिहास नाल की संबंध है ये जानन तो पहला मैं दस दवा कि एडिथ केवल बारे जानकारी बाबा प्रेम सिंह हिस्टोरियन दी निजी लाइब्रेरी रागो माजरा पटियाला विच पेई लिखतां तो मिलती है, जिस विच उन्होंने एडिथ केवल का जिक्र किया है। आओ हुण जानते हाँ एडिथ केवल का संबंध सिख इतिहास नाल किवें जुड़ता है। अगस्त 1914 ईस्वी विच पहले विश्व युद्ध दौरान सिख फौजां पंजाब तो बेल्जियम गईयां अते बरतानिया सरकार वालों जर्मन फौजां दे विरुद्ध जंग लड़ रही सन। उदो सिख फौजी अपने नाल गुरु ग्रंथ साहब जी का सरूप भी लैके गए। ब्रिटिश फौजा ने गुरु ग्रंथ साहब जी का पूरा सत्कार किया। गुरु ग्रंथ साहब जी का पूरा सत्कार करते हुए कोई भी चंगी थान सिखा का केंद्र स्थान बना दिता जाता, जिथे सिख गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेक के अपने मन को गुरु चरणा नाल इकागर करते हुए चढ़दी कला का जज्बा अपने अंदर भरिया करते सन। सिख फौज रेजिमेंट के अंदर उस समय भाई सूरत सिंह जी ग्रंथी की सेवा निभा रहे सन। जेकर भाई सूरत सिंह जी की गल करिए भान चंद के पुत्र सन, जो डेरा गाजीपुर पाकिस्तान विखे वड्डे शाहकार सन। भाई चंद सिंह सभा लहर तो काफ़ी प्रभावित सन। भाई चंद ने अपने वड्डे पुत्र सूरत राम नू सिंह सजा के सूरत सिंह बना दिता सी। उस समय पोठोहारी, मियावाली अते सरगोदा विच बहुत सारे हिंदुओं ने अपने बच्चों नू सिख बनाया सी। सूरत सिंह सिख फौज विच बतौर ग्रंथी की सेवा निभा रहे सन कि जद बेल्जियम की राजधानी बिलग्रेड दे मुकाम ते गुरुद्वारा साहिब उत्ते जर्मन फौजा ने हमला कर दिता, जिस दे विच सूरज सिंह सख्त जख्मी ते बेहोश हो गए। सूरज सिंह दी जद बेहोशी टुटी तां उन्होंने महसूस किया कि एक अंग्रेज नर्स लगभग 50 सालां दी उम्र वाली एडिथ केवल सब घायलों की सेवा कर रही सी। उसकी सेवा सदका ही सूरज सिंह नू नवा जीवन मिलिया सी। ब्रिटिश नर्स एडिथ केवल जंग दे मैदान विच हर घायल की सेवा कर रही सी, भावें वह जर्मन सिपाही सी या ब्रिटिश सिपाही सी। जब सूरज सिंह ने एडिथ केवल को सवाल पूछा कि वह दुश्मना की भी सेवा क्यों कर रही है तो महान एडिथ का जवाब सी, मैनू जख्मी सिपाही केवल जख्मी मनुख नज़र आउंदा है। मैं मैदाने जंग विच लड़न वाली कोई कमांडो नहीं, मैं तो मैदाने जंग विच जख्मियों की सेवा करन वाली, उन्हां दी सहायता करन वाली एक सेविका हाँ। एडिथ केवल ने सूरज सिंह नू दस्या कि वह भाई कन्हैया जी की सेवा तो काफ़ी प्रभावित है। भाई कन्हैया जी बारे ब्रिटिश सरकार के हर नर्सिंग अधारे विच पढ़ाया जाता है। एडिथ सिख कौम बारे काफ़ी जानकारी रखती सी। उसने सूरज सिंह नू दस्या कि उसके पिता फेडरिक केवल, जो कि पादरी ते धार्मिक आगू सन, वह सिख कौम के असूलों की काफ़ी जानकारी रखते सन। नाल ही मैक्स ऑथर मैकालिफ उसके पिता का शागिर्द सन।
जिन्हां ने बहुत सारा सिख इतिहास लिखिया। जद भाई कान सिंह जी की मदद लैके गुरु ग्रंथ साहिब जी का अंग्रेजी विच तर्जमा मैकालफ ने किया तो उसनू छपाउन लई मैकालफ भाई कान सिंह नाभा जी नू लंडन लैके आए। उस समय भी एडिथ मैकालफ ते भाई कान सिंह नाभा जी नाल मिली। सिख धर्म की किताबा पढ़न की रुचि रखने वाली एडिथ ने भाई कान सिंह नाभा जी को कई प्रश्न पूछे पर भाई साहब उसके हर प्रश्न से चुप रहे। एडिथ ने सूरत सिंह नू बेशकीमतियां गल्लां दसियां। उसने ये भी दसिया कि हिस्टोरियन मैकालफ जिसने सिख हिस्टरी लिखी वो अपने आखिरी दिनों दे विच पूरे सिख सज चुके सन। सूरत सिंह ते एडिथ की गलबात चलती रही। सूरत सिंह ने अपनी अखां नाल इस महान नर्स नू सिख फौजियां दी सेवा करदे अते भाई कन्हैया जी दे सिद्धांत नू अमली रूप देंदे होए देखिया सी। जख्म गहरे होण करके सूरत सिंह नू लंडन भेज दिता गया। जर्मन फौजा ने जब बेल्जियम जीत लिया तो एडिथ केवल उत्थे ही रह के सिख फौजियां दी अते होर जख्मी सिपाहियां दी सेवा करती रही। बेल्जियम उत्ते जर्मन सरकार का कब्जा हो चुका सी। हुण महान एडिथ केवल जर्मनी नर्स वजू काम कर रही सी। बेशक सूरत करके वह जर्मनी नर्स सी पर सीरत करके वह सिर्फ एक सेविका सी। जर्मन नर्स वजू उसने कायल अंग्रेज फौजियां दी सेवा करनी ना छड़ी। उसकी दुश्मनां प्रति सेवा भावना नू वेख के जर्मन सरकार ने उसनू 3 अगस्त 1915 ईस्वी नू गिरफ्तार कर लिया। उस उत्ते गद्दारी दा आरोप लगाया गया। उसका कोर्ट मार्शल कर दिता गया। आखिर विच उसनू मौत दी सज़ा सुनाई गई। कहिंदे ने मौत एक दिन पहला जद अंग्रेज पादरी गेहन उसनू जेल विच मिलन लई गए तां उन्होंने उसनू कहा कि उसने देश भगती दी मिसाल कायम कीती है। जद पादरी ने एडिथ नू कहा कि उसने अंग्रेज फौजियां दी दिलू सेवा कीती है क्योंकि वो आप इंग्लैंड दी है तां एडिथ दा जवाब सी, पेट्रोइटिज्म इज नॉट इनफ, आई मस्ट हैव नो हेटरड और बिटरनेस टूवर्ड्स एनीवन। एडिथ केवल दे इस जवाब ने दुनिया भर के शासकों, बादशाहों, प्रेजिडेंटा ते डिक्टेटरां नू झंझोड़ के रख दिता। मनुखता नाल प्यार करन वाली एडिथ केवल नू जर्मन अदालत दे हुकम नाल 17 अक्टूबर 1915 नू फायरिंग स्क्वाड ने गोलियां नाल छलनी कर दिता। एडिथ केवल ने अपनी सारी उम्र नर्सिंग दे काम विच गुजारी ते दूजियां दी सेवा विच उसकी जान भी गई। सूरत सिंह नू ब्रिटिश सरकार ने बाकी दी सारी उम्र लंदन विच गुजारन लई कहा पर वो पंजाब वापिस आ के अपने को भी फर्जा विच जुट गए। सूरत सिंह ते प्रेम सिंह ने पंजाब आके गुरुद्वारा सुधार लहर विच अपना वडमुल्ला योगदान पाया। 20 सालां बाद सन 1946 ईस्वी विच एक इलैक्शन इकट्ठ नू संबोधित करदे होए सूरत सिंह दी दास्तान नू उनां दे दोस्त प्रेम सिंह ने संगतां सामने जग जाहिर कीता। बाद विच प्रेम सिंह ने सूरत सिंह दी सारी वार्ता लिख के वी दित्ती ताकि इस नू ट्रैक दे रूप विच छापिया जावे पर यह वार्ता अनछपी ही रह गई जिसके नाल मैकालफ की शुभ चिंतक अते सिख कौम की भरपूर जानकारी रखन वाली एडिथ केवल भी सिख इतिहास का अंग ना बन सकी। एडिथ इसलिए भी महान है क्योंकि उसने भाई कन्हैया जी दे सेवा दे सिद्धांत नू अपना के अपने जीवन नू सफल किया। इस तू ये पता चलता है कि सिख कौम के न्यारेपन नू कई गैर सिखा ने किसी ना किसी रूप विच अपनाया है। इस जानकारी तो असी अज भी महरूम रह जाते जेकर सरदार संपूर्ण सिंह जी अज तो 9 साल पहला एडिथ केवल का जिक्र अपने लेख विच ना करते। ऐसे विद्वाना की सिख कौम हमेशा धनवादी रहेगी जो इतिहास के पड़िया नू जोड़न ते फलोरन विच लगे रहते हैं। विद्वाना दिया लिखता नू सिर्फ किताबा तक सीमित ना कर देइए बल्कि उन्होंने जग जाहिर करके कौमी भविख नू चढ़दी कला विल ले जान दा यतन करिए। अज दे एपीसोड विच इतना ही। अगली बार फिर एक नवी शख्सियत दे नाल आप जी दे रूबरू होवांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।